ये साथी। अबे 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 क्या हो गया? ये तो बहुत ही बड़ा खड्डा है भाई। यहाँ से गाड़ी नॉर्मली निकलेगी नहीं। वैसे कोई ना, नॉर्मल जी है वो, ये कौन सी नॉर्मल गाड़ी है? अबे हाँ यार, तो इसको मैं डालता हूँ फोर लो पे। यस, मैनुअल गियर। हाँ, एंड डालता हूँ फ्रंट कैमरा ऑन करके चलाता हूँ। भाई भाई ये जीप रैंगलर है, तभी निकल गई। Before we get started, a quick thanks and shout out to my mates at Jim Pattison Jeep Chrysler Surrey. They got a wide range of cars and whatever it is you're looking for, they got a perfect match for you. Make sure to check out their showroom at the address down below. Welcome back guys, this is Bonnet Unlatched. I'm Abhishek. And I'm Aniket. And today we have Wrangler 4XE plug-in hybrid. It has turbocharged 2-liter inline 4 which is made. 270 horsepower and 295 pound-feet of torque. Yeah, it's a pretty good car. Nice color. अच्छा color भी है काफी. Signature grill. I think ये सबको मालूम ही होगा. Five. I don't like the camera in the grill though, but. Yeah, they could have done a better job. इसको छुपाने में अच्छी better job कर सकते थे. This blue hooks showing कि ये हमारी पास एक plug-in hybrid है. Electricity. Oh, that's blue what the blue accent is. Yeah. इंटरेस्टिंग चीज है कि मुझे ये साइड के जो लैचेस लगे हैं, आई थिंक फॉर ओपनिंग द बोनेट। ओपनिंग द बोनेट, सो गाइस लेट्स डू अ बोनेट रिवील ऑन बोनेट एंड लैच। बोनेट एंड लैच, या आई थिंक यहां से ये है 2.0 लीटर इंजन प्लग इन हाइब्रिड। एंड इसकी बैटरीज बैटरीज इसकी है पैसेंजर सीट के जस्ट नीचे। ओके, so is that helpful for like gravity? I think gravity nahi, I think wo ground se kafi upar hai. It's just that that's the only place they found to push it in. For its side profile as usual, charging board iska front mein hai, isko regular charging board lagega. 17 kilowatt hour charging battery pack, we get 25 miles jo ki around 40 kilometers. That's not that bad for a local commute. अगर किसी को रोज ऑफिस जाना हो और हाँ, आजकल कौन यूज करता है इसको ऑफ रोड? लोग लोकल कमीट ही करते हैं। एंड डोर्स, यस, समथिंग अबाउट दीज डोर्स, बहुत ही हैवी फील है। अच्छा होता है ना, रगेड फील, रगेड रगेड सी फील है। कोई बंद करता है तो इफ आई एम सिटिंग इनसाइड इट क्लोजेस लाइक अ थंब थंब नाइस थंब नाइस वन। इसके ना ये पार्ट जो अटैचमेंट है डोर्स की, थोड़ी सी वो याद दिलाते हैं G63 जी वैगन, सॉरी जी वैगन की डोर्स भी ऐसे बॉक्सेस है ना। एंड देन सबको पता ही होगा बॉक्सेस के यू कैन रिमूव द डोर्स एंड लंडी जीप बन जाती है। पीछे फिर बैक डोर एक्चुअली ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे क्रैम्प्ड लगा। हाँ, काफी क्रैम्प सीटिंग है, मेरे को भी सेम फीलिंग आई। द वे दिस कार इज सो ह्यूज, ये बैक डोर थोड़ा छोटा है। या बट एक अच्छी बात है कि ये ऑल द वे 90 डिग्रीज खुल जाता है। नॉट ऑल द वे, आई थिंक मे बी 70 डिग्रीज, सो एटलीस्ट इजी एक्सेस है। एंड यू हैव ए ग्रैब हैंडल हियर, पकड़ के अंदर घुसना होगा क्योंकि काफी ऊंची भी है। लुकिंग एट इट्स बैक प्रोफाइल, ये इसका स्पेयर टायर आ जाता है और यहाँ पे लगा हुआ है इसका कैमरा, बैक कैमरा। समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्पेयर टायर कि अगर इसको मुझे रिमूव करना है, लाइक लेट्स से इमरजेंसी है राइट, और मुझे कहीं पे जल्दी जाना है, तो मैं पहले इसका करूँगा कैमरा रिमूव, फिर मैं इसके करूँगा तीन नट्स रिमूव, फिर इसको मैं उतारूंगा, फिर मैं इसको लगाऊंगा,
फिर मेरा जो टायर खराब हुआ है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, फिर मैं कैमरा लगाऊंगा एंड फिर मैं नट्स लगाऊंगा, लाइक 7 to 8 स्टेप्स. इमरजेंसी में मैं इतना कुछ करना चाहूंगा पहले. या एंड एज यूजुअल ब्लू टच हर जगह दिया उन्होंने. या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिफाई. या नाइस हेडलाइट्स, स्क्वायर डिजाइन, लेजर. यू मीन बैक लाइट्स? बैक लाइट्स. या इसको खोले. श्योर. एक्चुअली समथिंग आई वांट टू सी लेट द ऑडियंस नो. ये जो आपको छोटा सा ये डिब्बी से दिख रही होगी ये स्प्रे करने के लिए. एनी वाटर स्प्रे. या एंड ये खोल, ये भी खुल जाता है इसका शीशा. okay. तो उसको खोलने के लिए हमें ये पहले खोलना पड़ेगा ऑल द वे. एंड आई थिंक थोड़ा और खोल के देन ऐसे पड़ेगा. दिस लुक्स रियली गुड. दिस लुक्स नाइस. इट्स एक्चुअली अ गुड फन कार एंड मे बी प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो. इट्स नॉट जस्ट कि आप फन के लिए ले लिए और इस जस्ट फॉर फन. इट्स नाइस प्रैक्टिकल कार. बाकी हम फिगर आउट करेंगे ड्राइविंग में कैसी है. स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रिजिडिटी बनाने के लिए क्योंकि उतर जाता है मोस्टली सारा इसका हिस्सा. ये उतर जाता है, ये भी उतर जाता है. ओके. लाइक ये पैनल. या हम भी एक फोटो लगाएंगे आपको बिल्कुल लंडी जीप की. ये भी उतर जाता है सर. इवेंचुअली आपके पास अंदर इंटीरियर में बस ये रह जाता है जब सब कुछ उतर जाएगा. ओके. देन पीछे स्पेटर तो यहाँ पर है. यहाँ पर हमारे पास चार्जिंग के गेयर्स हैं एंड दैट शुड बी ऑल फॉर द बैक. फाइनली इनसाइड. या कैसा लगा इंटीरियर? इंटीरियर मुझे जीप रैंगलर के हिसाब से इट्स वेरी मॉडर्न. या काफ़ी प्लेसेस पे जो मेन स्पॉट्स है नाइस लेदर टच सॉफ्ट टच एवरीवेयर. एंड पहले भी मेंशन किया था हमारे पास वो स्काई टॉप फीचर है. गाड़ी स्टार्ट करके एंड इज वन प्रेस एंड द होल थिंग ओपन्स अप. ये काफ़ी अच्छा है उससे ज़्यादा दिन हमें एक एक रूफ निकालना पड़े वन टाइम. एंड दिस इज जस्ट सो अमेजिंग टू वॉच ऑल द वे बैक. ऑल द वे बैक लाइक एंड देन दे हैव टू स्पेस इट आउट राइट. यू कैन ऑफ रोड. कैमरे की जरूरत भी नहीं है. ये मैं सोच रहा हूँ जो हरियाणा के हमारे भाई बहन हैं जो थार के फैन हैं भाई साहब, या उनके लिए तो ये गाड़ी परफेक्ट. पर ये उसको अफेक्ट करेगा हमारी साउंड प्रूफिंग की गाड़ी को. ओके. हर्ड की राउंड में इसकी ऑन द रोड हाईवेज पे काफ़ी लाउड है. डेफिनेटली रीजन बीइंग हमारे पास इतनी वो साउंड प्रूफिंग नहीं है ऑन द रोड. बट स्टिल अगेन फन कार. या आई थिंक दैट्स I could give that up. That's okay. Yeah. And big screen, really big infotainment system. हमारे पास काफी functionalities हैं. Apple CarPlay, vehicles, off-road, front camera, rear camera, 360 camera हमारे पास नहीं है. But front camera है with washing control. So all you do is washing. हाँ. यहाँ पे करके and then you clean. You can actually see. Oh. The front camera only. क्योंकि फ्रंट पे ज़्यादा मिट्टी लगती है बैक पे नहीं है. ओके. इसका वन थिंग वियर्ड मैं ऐसे गाड़ी बंद करके देख रहा था ढूंढ रहा था मैं कि इसकी विंडो खुलती कहाँ से है. बट इसके बटन जो है वो सेंटर कंसोल में लगे हुए हैं. देयर आर फोर बटन्स फॉर ईच मिरर. आई डोंट नो इफ द बैक पैसेंजर हैज देयर ओन बटन. बैक पे आई थिंक इस यहाँ पे एसी के पास हैं दो बटन. ओके. सो उनकी भी डोर्स पे नहीं है. बट एक वियर्ड थिंग है. आई अंडरस्टैंड कि इनको यहाँ पे करना पड़ा क्योंकि डोर निकल जाता है. बट अगर ये दो तीन कंट्रोल वहाँ पे लगा सकते थे तो इन्होंने ये क्यों चूज किया यहाँ पे लगाने का? या व्हाट डज विंडो मेक सेंस अबाउट अगर डोर ही नहीं है तो? हाँ डोर ही नहीं है तो हमें क्यों चाहिए? बट लुक्स नाइस. जैसे भी इन्होंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है अच्छा लग रहा है. हमारे पास यूएसबी सी एंड ए पॉइंट ऑक्सन. यहाँ पे चार ऑक्सिलरी बटन्स क्यों हैं? ऑक्सिलरी बटन्स इमेजिन इफ यू गो ऑफ रोड बहुत ज़्यादा जाते हो तुम्हारे पास ऑप्शन है कोई बार एलईडी बार लगाने के लिए फोक लैंप लगाने के लिए एंड अदर एक्सेसरीज. सो ये तुम्हारे अपने यूज के लिए हैं. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग होल्स एंड इंस्टॉलिंग बटन्स आपको दिए हैं ऑप्शन यहाँ पे प्लग इन करो
चार ऑक्सिलरी बटन्स हैं एंड यू कैन इंस्टॉल एक्सेसरीज। फाइनली हम बैक हैं बैक सीट पे। मेरी हाइट जस्ट फॉर ऑडियंसेस रेफरेंस, मेरी हाइट है 5 feet 10 11 और मुझे लेग रूम काफी अच्छा लग रहा है। इट्स नॉट दैट बैड। नॉट बैड। एंड इमेजिन अगर रूफ यहाँ होती हाँ तो तेरा हेड बज रहा होता। सो बट दिस स्काई टॉप इज हेल्पिंग यू विद अ हेड रूम। ओके इट्स मोर सेम मटेरियल चॉइसेस। सीट आर रियली कंफर्टेबल टू सिट इन। पीछे आ जाती है रीडिंग लाइट्स। ओह मैंने देखा भी नहीं इनको। ओके एंड ऑलवेज पोजीशनिंग ऐसे करी हुई है कि डोर्स खुल जाते हैं और सब कुछ गाड़ी के फ्रेम में बनाया हुआ है। स्पीकर्स फिर से एंड इसमें बड़ा अच्छा अल्पाइन का सबवूफर एंड साउंड सिस्टम लगा है। इसका आर्मरेस्ट खुल जाता है ऐसे। टू कप होल्डर्स। हमारे पास वो वहाँ पे काफ़ी सारा प्लग पॉइंट्स हैं। हमारे पास 4 USB हैं, 2 USB-C एंड 2 USB-A एंड हमारे पास 150 W का एक होम आउटलेट भी है विच इज़ नाइस। अगर कैंपिंग हो तो अगर तुम्हें पानी गर्म करना है केटल में ऑलवेज रेडी टू गो। और सीट्स के पीछे ये मेश टाइप दी हुई है जस्ट टू कीप योर बॉटल्स योर फोन और समथिंग योर मैगजीन्स। आई थिंक उससे ज़्यादा कुछ रख नहीं सकते। और कुछ आएगा काफ़ी काफ़ी छोटी स्पेस है बट सेम थिंग ऑन द डोर साइड सेम मटेरियल। बट देयर इज नो स्पेस फॉर वाटर बॉटल्स। यूजली जैसे हम नॉर्मल गाड़ी में होता है ना वाटर होल्डर। या दैट्स समथिंग आई मिस्ड बट नॉट अ बिग डील। लेट्स गो फॉर ड्राइव ना। इसकी कंपेटिटर इंडिया में महिंद्रा की थार है एंड उसकी काफी सिमिलर लुक है इसके साथ। या थार एक आई थिंक थार इंडिया में लोगों के लिए एक इमोशन बन चुका है क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे और एक बंदा ऐसे गाड़ी चला रहा है ट्रैफिक में और थार आ जाती है साइड से क्लोज तो ये बोलता है यार अपनी गाड़ी को पीछे कर तो आगे से वो बोलता है कि ये गाड़ी थोड़ी है थार है। तो आई गेस फॉर समवन हु हैज अ थार इन इंडिया और अगर उसको एक लेवल नेक्स्ट जाना है क्वालिटी में ड्राइव में तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जीप रैंगलर। फॉर नाउ अभी तो मुझे लग रहा है मेरे को इंजन की साइड बॉदर कर रही है। साउंड बॉदर कर रही है थोड़ी आई थिंक लाउड ज़्यादा है। आई डोंट नो ये एसी कंप्रेसर की आवाज़ है इंजन ये इंजन फॉर इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी के लिए ये साउंड थोड़ी ज़्यादा है। अभी क्यों चेंज हुई? आई थिंक हाइब्रिड की दिस हाँ मे बी वो कुछ और था ये इंजन है। ओके इसको आई गाइस क्वाइट है नॉट बैड। थोड़ी ऊपर होने की वजह से अभी बंप थोड़ी हिलती है ऑफ रोड है सो इट फील्स रियली लाइक ऑफ रोडी यू कैन फील इट यू कैन हैव दैट। मैं को याद है तुमने काफ़ी बोला था कि जब तुमने थार रेंट की थी थार की राइड काफ़ी अनकम्फर्टेबल है क्या रीज़न था उसका? वेल टू गिव टू प्ले एडवोकेट फॉर थार वो थार पुरानी थी थोड़ी 2008-09 गोवा में जो भी थार रेंट करते हैं बट इवन देन 8-09 वो तो पुराना मॉडल हो गया ना नॉट ओके बट द शॉकर्स वर रियली बैड वो गाड़ी कंडीशन भी हो सकती है। हाँ सो या हम अभी ड्राइव कर रहे हैं ग्रेवल रोड पे अनइवन रोड है या सो वी गेट काइंड ऑफ ऑफ रोड फीलिंग जैसे हमने स्किट में दिखाया था कि या तो ऑफ रोडिंग तो हम भरपूर कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेवल में इससे ज़्यादा हम क्या करने वाले। ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है एक्सेलेरेशन पे रिस्पॉन्स क्विक है हाइब्रिड होने की वजह से इनके पास वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक किक है ना सो इंस्टेंट टॉर्क आपको मिलता है उसकी वजह से आपको ऑफ रोडिंग में काफ़ी फायदा होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक होने की वजह से आपको लो गियर पे काफ़ी अच्छा एंड हैवी टॉर्क मिलता है सो इफ यू वांट टू इफ यू स्टक इन वन प्लेस उसके लिए अच्छा है। And as you can see, हमारे पास options हैं 2 high, 4 high auto and 4 low. So 2 high is good for good mileage because just rear 2 tires जब वही power engines को power करता है. 4 high auto is चारों maximum four. No power तो same ही रहेगी. But all wheel are being driven by engine, so 4 road. अगर slippery condition, rainy conditions में वो better रहती है. And 4 low is off road के लिए. And अगर आप 40 से
इनका जीप का कहना है कि अगर 40 से कम चला रहे हो तो तभी फोर व्हीलर यूज करो. ओके, सो बेसिकली ऑफ रोड स्लो ड्राइविंग जैसे अब अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से देन फोर लो में ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है पावर कितनी किस कौन सी टायर को कौन सी कैसे चाहिए. सिटिंग बिहाइंड द व्हील आई कैन फील कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर पड़ी हुई है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, जस्ट लाइक एनी अदर. 270 हॉर्स पावर काफ़ी अच्छी पावर है इसके लिए. या एंड 295 पाउंड. और इसमें तीन मोड्स हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार के लिए, विच इज़ हाइब्रिड एंड देन जिसमें आपका बैटरी और इंजन पावर बोथ दोनों यूज होगा. कार ऑटोमेटिकली स्विच हाइब्रिड. ओके थिंक्स इज बेटर. फिर आप स्विच कर सकते हो इलेक्ट्रिक मोड में जिसमें सिर्फ आपकी बैटरी की पावर यूज होगी एंड नो इलेक्ट्रिक. हाँ, इसकी रेंज इलेक्ट्रिक पहले मेंशन की थी, आई थिंक 40 किलोमीटर के अराउंड. और द लास्ट मोड इज ई सेव मोड जिसमें क्या होता है कि आपकी बैटरी चलती नहीं है, बैटरी पावर रिमेंस कंजर्व्ड और जो कार है वो सिर्फ इंजन पावर से चलती है. व्हाटएवर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड वो सीधा इट फीड्स टू द बैटरी. ओके, मेक सेंस. एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ईस्टर है कि आप पे मेंशन कर दूँ इसके बारे में, इसके गियर क्लस्टर और गियर नॉब पे द ओरिजिनल जीप रैंगलर की फोटो लगी हुई है. ये काफी जगह है, नॉट जस्ट हियर. या या एंड इट्स रियली नाइस टू सी कार कंपनीज जस्ट पेइंग रिस्पेक्ट टू देयर हेरिटेज एंड पेइंग रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ओरिजिन. कार एंथुजियास्ट के लिए तो ये तो सोने पे सुहागा है. एंड एक चीज नोटिस करी, इसका टर्निंग रेडियस काफी स्मॉल है. या काफी स्मॉल एरिया है वो, एंड वी एबल टू टर्न इन दैट एरिया. मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी अल्टीमेट जो वो ज़्यादा सर्कल चाहिए उसको रिटर्न करनी है. एंड दैट्स अ बिग थिंग फॉर बिग एसयूवी एंड स्पेशली ऑफ रोड के लिए. या तो ये था गाइस जीप रैंगलर 4XE हाई अल्टीट्यूड का रिव्यू. हम लोग आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो पे. एंड मेक श्योर यू गाइज लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट आपको ये कार कैसी लगी. अगर आपके पास थार है इंडिया में, आपको कंपेरिजन करके बताना है हमें कि ये कार आपको बेटर लगी वर्स लगी, आपको लेनी है नहीं लेनी है. So please share that in the comment section. See you next time. Share that in the comment section. See you next time. And Thar is the emotion always. Chal, Blaira Rab ka naam aur nikal de. नॉर्मल गाड़ी कैसे निकलती है यहाँ से. जी तभी तो लाए ऐसे डिफिकल्ट ट्रेन में ब्रो. Yeah.